चलो देखो देखो तो भैया, आज जीवों में जन्म के बारे में पहला चैप्टर बायोलॉजी का, जीवों में जन्म, जीवों में जन्म और जीव किसे कहते हैं, बस इतना समझ। जीव का मतलब जिसमें क्या हो, जीवन, ठीक, जीवन से जुड़ा हुआ। अब जीव को दो भागों में बांटा गया है, सजीव और निर्जीव। सजीव क्या होते हैं पहले देखिए, इसको कराए कि यहां पे दिया है, लिखते हैं कि स और यहां पे होता है नी, दो चीजें हैं स और नी, इन दोनों के बीच की कड़ी है जीव। तो जीव का मतलब कोई वस्तु एक माना जाए तो, स का मतलब साथ जुड़ा, नहीं का मतलब के बिना, के बिना। अब जब जीव है, वस्तु है, तो कह रहा है कि जब जीवन इसके साथ जुड़ा हो, जब जीव के साथ इसका जीवन जुड़ा हो तो सजीव, और जीव के साथ जब जीवन न जुड़ा हो तो निर्जीव। अब सजीव को देखिए, तो सजीव को सामान्यतः दो भागों में बांटा गया है, एक कोशिकी, एक कोशिकी जीव एक कोशिकी जीव और बहुकोशिकी जीव। जैसे कह दिया जाए भाई कि एक कोशिकी जीव क्या होता है, तो बस इतना समझिए कि एक कोशिकी जीव का मतलब यह है कि जैसे प्रोटोजोआ, शैवाल, या इसको ऐसे कह सकते हैं पैरामीसिया, एमिग्लिना इत्यादि, और बहुकोशिकी में आ जाएगा जैसे मनुष्य, कुत्ता, बंदर, हाथी, घोड़ा इत्यादि। निर्जीव वस्तु में कराया कि जिसका कोई जीवन चक्र ना हो, देखिए चाहे सजीव हो चाहे निर्जीव हो, कराया कि सबका जीवन है, लेकिन बशर्ते क्या हो कि इनमें जो सजीव होंगे, तो जीव में जब देखिए क्या पासवर्ड है इसका, जीवन के साथ जैविक क्रिया, जो जैविक क्रिया करेगा सजीव, जो जैविक क्रिया नहीं करेगा निर्जीव, जैसे लकड़ी में घर, मकान इत्यादि, निर्जीव, ठीक। अब देखिएगा आप लोग, सबसे पहले जन्म के बारे में कि जन्म किसके बारे में पढ़ना है, तो जन्म में सामान्यतः कहते हैं कि इसकी अंग्रेजी होती है रिप्रोडक्शन, आर ई, यहाँ पे पी आर ओ डी यू सी टी, फिर इसके बाद लिख देते हैं ए सी टी आई ओ एन, पूरा नाम लिख देंगे ऐसे, और यहाँ भी हो जाता है प्रोडक्ट, और इंडक्ट को पूरी तरीके से
कहा जाए तो एक प्रोडक्ट हो जाता है, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट तो री का मतलब पुनः, इसको कहते हैं अगेन, ए जी एन अगेन। हाइप्रो का मतलब होता है कि इन द सेम फॉर्म, प्रोडक्ट यानी जानते हो थिंग्स की क्रिएशन। और एक्शन का मतलब ही वर्क। अच्छा एक दिया जाए तो सही है वर्क। देखिए तो पुनः सेम फॉर्म मैंने अपने जैसा, प्रोडक्ट का मतलब हो गया उत्पाद, और ये कह रहा है कि उत्पाद बनाने का कार्य कहलाता है जन्म। ये हो गया के बारे में परिभाषा कि जन्म क्या है। इसके वर्ड मीनिंग हो गई कि जन्म क्या होता है कि रिप्रोडक्शन। तो री का मतलब अगेन यानी पुनः, प्रो का मतलब हो गया इन द सेम फॉर्म अपने जैसा, या डक्ट का मतलब प्रोडक्ट से उत्पाद, और यहाँ पे एक्शन का मतलब हो गया कार्य, यानी अपने जैसा ही बनाने का, यानी कि फिर से अपने जैसे बनाने की क्रिया, यानी जैसे कहने के लिए। देखिए अरे माता पिता, ठीक, माता पिता के बीच सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो करा है कि संतान। अब इनके बीच में कोई युग्म बना तो फिर ये अपने इस तरीके का एक रिलेशनशिप करेंगे तो क्या होगा, सेम प्रोसीजर जैसा एक कोई रचना करेंगे तो उसी को कहते हैं रिप्रोडक्शन। आगे देखिए क्यों है, क्या कारण है रिप्रोडक्शन का, क्यों रिप्रोडक्शन किया जाता है। तो दो चीज, कोई पूछे जनन क्या है, तो जनन एक जैविक क्रिया है, जैविक क्रिया है, जनन एक जैविक क्रिया है जिसमें जीव अपने जैसे संतान की उत्पत्ति करता है, उत्पत्ति करता है। और दूसरी कंडीशन तो कहा जा रहा है कि भाई जनन एक माध्यम है जिसके द्वारा क्या होता है कि पढ़े होंगे कि हेरिडिटियल क्वालिटी, आनुवंशिक, जिसके द्वारा आनुवंशिक लक्षणों को, आनुवंशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाया जाता है, अच्छा स्थानांतरित किया जाता है। चाहे कह सकते हैं कि स्थानांतरण होता है। जैसे कहने के लिए कि ये माता पिता, ये कह रहा है कि मेरी फीमेल, अब इनके बीच में अगर रिप्रोडक्शन ना हो और बच्चे को कहीं से खरीद करके लाए तो जाहिर सी बात है कि इनका ना तो लक्षण मिलेगा ना तो इनका लक्षण मिलेगा, बच्चा किसी दूसरी क्वालिटी का होगा। ये चीजें होती हैं। अगर इनके द्वारा इस जैविक क्रिया के द्वारा, हमने कहा कि जनन एक जैविक क्रिया है, तो इस जैविक क्रिया के द्वारा अगर संतान की उत्पत्ति होगी तो जाहिर सी बात है कि जो माता पिता के सिम्टम्स होंगे वो बच्चे होंगे।
तो इसलिए कहा जा रहा है कि विजनन क्या है, एक प्रकार का माध्यम है, एक जरिया है, जिससे अनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण कर सकते हैं। अब देखिए जन्म के स्टेप जैसे कह दिया जाए कि भाई सबसे पहले क्या होता है, शिशु का जन्म, जीव का जन्म, इसके बाद सबसे पहले उसका वृद्धि या विकास, उसमें वृद्धि और विकास होता है, विकास वृद्धि व विकास के दौरान जब वह परिपक्वता को प्राप्त करता है, परिपक्वता को प्राप्त करता है, तब वह जनन क्रिया करता है। जनन क्रिया करता है। अब परिपक्वता के बाद वह धीरे धीरे जाता है ढलान की ओर, जिसको कहते हैं वृद्धावस्था, ढलान। अब वृद्धा होने के बाद फिर इसके बाद ढलान के बाद वह व्यक्ति क्या होता है, मृत हो जाता है, और मृत हो जाता है तो उसके घटकों में उसको वियोजित कर दिया जाता है। कैसे, जब जीव मृत हो जाएगा तो उसका अपघटन होता है, अपघटन, और उस अपघटन को पांच तत्वों में बांट दिया जाता है कि किस किस चीज में अपघटन होगा। जैसे अपघटन का मतलब होता है टूट जाना छोटे छोटे खंडों में, तो सबसे पहले कार्बन में, कार्बन, इसके बाद नाइट्रोजन, इसके बाद फास्फोरस, फास्फोरस अब इसके बाद हाइड्रोजन और सल्फर, हाइड्रोजन और सल्फर, इन घटकों में वो व्यक्ति मृत शरीर जो होती है वो अपघटित हो जाती है और तत्वों में टूट जाती है। अब देखिएगा जनन में जो होती है सब में मूल समानताएं पाई जाती है, जनन में सब में मूल समानताएं होती है, सबकी मूल समान, जनन कोई भी जीव हो अगर जनन क्रिया करता है तो उसमें मूल समानता पाई जाती है, मूल समानता है। जीव पशु पक्षी या कोई एक उसकी बहु उसकी कुछ भी हो सकते, उसमें मूल समानताएं होगी। कौन सी मूल समानताएं पाई जाती है, तो सबसे पहले मूल समानता एक की आर यानी व प्रोटीन का संश्लेषण होता है, पॉलीसन होता है। दूसरी समानता होती है कि सभी के दौरान कोई भी जीव जनन करे डीएनए का विघटन होता है, तीसरी समानता कोशिका वृद्धि होती है, कोशिका वृद्धि होती है, और चौथी समानता नए जीव की उत्पत्ति, उत्पत्ति होगी। और तो है कि एक आध और समानता ले लीजिए आप लोग, जैसे जनन इकाई का निर्माण होगा, जनन इकाई का निर्माण होगा, ये होते हैं आपके जनन की क्रिया। देखिए फिर से एक बार समझ लीजिए क्या है जन्म। अगर कह दिए भाई जनन क्या है, तो जन्म का मतलब मूल मान है कि जनन जब भी कह दिया है, रिप्रोडक्शन जैसे आपने मीनिंग समझ लिया है, तो जनन मतलब हो गया कि जीव की उत्पत्ति, जीव की उत्पत्ति। जनन का संबंध है, जनन एक प्रकार की जैविक क्रिया है जिसका संबंध केवल जीव की उत्पत्ति से है। कराया कि जैविक क्रिया जिसमें जीव अपने जैसे संतान की उत्पत्ति करता है,
और पराग यह एक माध्यम है जिसमें अनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण होता है। जैसे हमने बताया कि भाई माता पिता किसी बच्चे को अडॉप्ट कर ले तो जाहिर सी बात है कि माता पिता जैसा गुण बच्चे में नहीं होगा। अगर वो रिप्रोडक्शन के दौरान उत्पन्न है तो जो लक्षण माता पिता में होंगे सामान्य ही मिलेगा कि नहीं बच्चा इस तरीके के है, माता पिता के लक्षणों से मिल रहा है। अब देखिए क्या होता है दूसरी बात कि हर एक जन्म में चाहे कोई भी जीव जन्म करे तो उनमें मूल समानता है। पहला आरएनए और प्रोटीन का संश्लेषण, दूसरा डीएनए का द्विगुणन, तीसरा कोशिका की वृद्धि, चौथा नए जीव की उत्पत्ति और पांचवा है जननिकाय का निर्माण। सब में होगा, चाहे वो एक पुरुष की हो, बहुपुरुष की हो, जीव हो, पादप हो, सब में होता है। बस अलग ही बात की पादप की बात होते तो यहाँ पर इसको नहीं रखा जाता। अब आगे देखिए क्या होता है कि जैसे एक जीव का जन्म हुआ तो सबसे पहले वह वृद्धि व विकास करेगा, इसके बाद जब वह परिपक्वता हासिल करेगा तभी वह जनन की क्रिया करता है। परिपक्वता के बाद एक ढलान आदि यानी जिसको वृद्धावस्था कहा जाता है, इसके बाद वह धीरे धीरे व्यक्ति क्षीण होता है और मृत हो जाता है। मृत्यु के फलस्वरूप क्या हो जाता है, उसका अपघटन जो कई तत्वों में विभाजित हो जाता है और इसको क्या करते हैं बैक्टीरिया खा जाती है या चाहे कह दिया जाए कि उनका भक्षण हो जाता है सूक्ष्म जीवाणु। अब कोई कहे कि भाई जन्म का उद्देश्य क्या है, जन्म का उद्देश्य क्या है, तो जन्म के उद्देश्य के बारे में समझिए कि जन्म का उद्देश्य क्या है। अगर कोई कहे कि जन्म का उद्देश्य क्या है तो जन्म के उद्देश्य के बारे में समझिए। जन्म के बस मूल कुछ उद्देश्य हैं। पहला देखिए, पहला कहा है कि जन्म का उद्देश्य तो विभिन्नताओं के लिए। पहला विभिन्नता के लिए, दूसरा जाति निरंतरता को बनाए रखने के लिए, जाति निरंतरता के लिए ताकि जाति की निरंतरता बनी रहे यानी कि एक श्रृंखला संख्या बनी रहे। अगला करा है कि जाति की वृद्धि हो। अब देखिए क्या है, अगर जाति निरंतरता की है तो दो बातें आएंगी, जाति निरंतरता होगी तो जीवन की भी निरंतरता होगी और करा है कि इसमें क्या होगी कि जीवन की निरंतरता होगी और जाति की वृद्धि भी होगी, जाति की वृद्धि भी होगी, निरंतरता बनाए रखने के लिए जाति में वृद्धि भी होगी और जीवन की भी वृद्धि, जीवन की भी निरंतरता बनी रहेगी, जीवन निरंतरता। अब आगे देखिए कर रहा है कि अगला क्या है, समिष्टि का संगठन रहेगा, समिष्टि का संगठन, समिष्टि संगठित रहेगा। ये चीजें होती हैं जीवन के उद्देश्य में। अब आगे अगले वीडियो में आप लोगों को मिलेगा कि जनन की कितनी विधियां हैं, जैसे होता है कि सेक्सुअल ए सेक्सुअल और सेक्सुअल क्या होते हैं, ए सेक्सुअल क्या होते हैं, तो ये अगले वीडियो में आप लोगों को मिलेगा कि सेक्सुअल और ए सेक्सुअल क्या होता है। बस इतना आज के लिए काफी है।